न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सुषमा जी इंदौर के कॉलेजों में पढ़ा रही हैं और करीब करीब 30 साल पढ़ाने का दौर हो चुका है। कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष रही है, विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया है डिबेट में, अनेक सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों से भी ताल्लुक रखती हैं। सुषमा जी बताएं, आप एनएसएस में भी रही हैं, ये सुनने में था कि एनएसएस का महत्व कम हो गया, विद्यार्थी आजकल एनएसएस पर नहीं जाते, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एनएसएस का महत्व भी बढ़ गया है काफी और विद्यार्थी काफी इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं, क्योंकि एनएसएस में भी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र काफी बढ़ गया है, जो पहले ये विद्यार्थी से अवगत नहीं होते थे, तो उन्हें बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र नहीं मिलते थे, लेकिन अभी ये स्थितियां बहुत बदल गई हैं और बहुत सारे नए यूनिट्स और नए महाविद्यालय कॉलेजेस एनएसएस से जुड़ गए हैं। ये बी और सी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है? बी और सी सर्टिफिकेट का महत्व ये रहता है कि जो भी बच्चा अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो बी सर्टिफिकेट से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर वो एडमिशन लेने जाता है हायर स्टडीज में तो बी सर्टिफिकेट से उसको उसमें भी लाभ मिलता है, नंबर दिए जाते हैं। हाँ, नंबर दिए जाते हैं, परसेंटेज में उसको जो काउंट किया जाता है बी सर्टिफिकेट को। आपने बहुत सारे करियर मार्गदर्शन के कैंप लगाए हैं, शिविर लगाए हैं, तो कुछ क्या अनुभव रहे आपके? करियर मार्गदर्शन के शिविर से छात्राएं लाभान्वित बहुत होती हैं, जो गंभीरता से रहती हैं उसमें वो लाभान्वित होती हैं, और जो गंभीरता से नहीं लेती हैं उसको, जैसे 5 दिन का कोर्स है, 3 दिन आई, 2 दिन नहीं आई, हाँ, तो उनको इतना लाभ उसका नहीं मिल पाता है। आपका विषय रहा है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लेकिन छात्राओं को आप पढ़ाते रहे, अब तो होम साइंस जैसे विषय पढ़ाई नहीं जाते, ऐसा है? होम साइंस विषय की जो है वो जरूर लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है, जबकि है उसका विपरीत की होना ये चाहिए कि आजकल के समय को देखते हुए जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल पैकेज ला रहे हैं और उसके वजह से घर में भी दोनों की इक्वल या समान भागीदारी की जो है वो अपेक्षा की जाती है, पारिवारिक और जो है किचन से संबंधित कार्यों में भी। तो गृह विज्ञान विषय जो है अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी फैकल्टीज में सभी विद्यार्थियों को, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को ही पढ़ाना चाहिए, प्राइवेट भी सिखाना चाहिए। क्या छात्र आते हैं, छात्राएं तो आती है, क्या छात्र भी आते हैं होम साइंस पढ़ने? छात्र आते हैं होम साइंस पढ़ने, जैसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग महू कॉलेज में छात्र भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही एमए होम साइंस होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रकाश जी कि एमए होम साइंस में छात्र भी भाग लेते हैं। यूपी मेरठ में तो काफी रहता है ना, मध्य प्रदेश में भी इतना चलन नहीं है, ये मान लिया कि होम साइंस लड़कियों को ही पढ़ाना। हाँ, होम साइंस ऐसा माना जाता है, लेकिन वो गलत है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, है ना, जो इंडिया से बाहर जाते हैं अब्रॉड में, वो सबसे पहले कुकिंग क्लास ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पता है उन्हें कि वहाँ पर उन्हें खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है। तो इससे बेटर है ये कि हर विद्यार्थी जो है अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार है। होम साइंस में कुकिंग भी सिखाई जाती है। होम साइंस जो एक ऐसा विषय है जिसमें न केवल कुकिंग बल्कि परिधान व्यवस्था, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, होम मैनेजमेंट, है ना, बजटिंग कंप्लीट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, तो ये पूरे सभी विषयों से मिलकर, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन पूरा, तो ये सारे विषय से मिलकर होम साइंस बनता है। हाँ, लेकिन ये मान लिया कि ये विषय केवल लड़कियों के लिए है, ऐसा हाँ, मान लिया ये है। गलत माना जाता है लड़कियों के लिए। प्रयास हुआ कि ये विषय लड़के भी पढ़े, इसका कोई प्रयास किया गया किसी के द्वारा? इसके ये ओपन है, वैसे लड़के चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एमए वगैरह कर सकते हैं लड़के, तो जी ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको महू में बताया कि महू में बॉयज भी पढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारे काम किए छात्र जीवन में, आप काफी एक्टिव रही, कोई राजनीतिक ऑफर नहीं आपको कि नेतागिरी करिए, चुनाव लड़िए? हाँ, मेरे साथ के नेता जो है मुझे अभी भी मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम समझते थे कि आप राजनीति में बहुत आगे तक जाएंगी और इस फील्ड में आप अपना नाम रोशन करेंगी, लेकिन मेरा ये राजनीति जो है ये मेरा करियर नहीं था। जी जी, तो किस तरह के ऑफर थे आपके सामने?
मुझे पार्टी में आने के लिए कहा गया था। अब तो आरक्षण हो रहा है महिलाओं के लिए, तो क्या आप वीआरएस वगैरह लेके राजनीति में जाने वाली हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मेरा फिलहाल राजनीति में जाने का कोई मकसद और इरादा नहीं है। आपने सोशल वर्क के बहुत सारे काम किए, रोटरी क्लब में आप काफी एक्टिव रही, जिला जेल में आपने काफी काम किए, क्या क्या गतिविधियां थी? जैसे जिला जेल में जो मैंने गतिविधि की वो ये की कि जो कैदी महिलाएं थी जी, उन कैदी महिलाओं के सुधार के लिए संस्कार व्याख्यान माला जो है मैंने वो की थी वहां पर, और ये संस्कार व्याख्यान मालाओं के द्वारा उन महिलाओं को मैं ये जो है कोशिश करती रही बताने की कि जो है गलत कार्यों में जो उनसे गलती से अगर कोई कार्य गलत हो भी गया है तो आगे अपने भविष्य में वो ऐसे कार्यों को ना अपनाए। तो क्या रिस्पांस रहा उसका, किस तरह आप ये करते थे कैंप, किस तरह जेल में जाके महिलाओं से कैदियों से बात करते? जैसे महिला कैदियों के लिए हम जेल में जाते थे और उनके लिए पहले भजन और प्रार्थना इनका आयोजन करते थे, और उसके बाद जो है उनको कहानियों के माध्यम से है ना, जैसे अहिंसा के बारे में अगर मुझे उनको बताना है या मैं उनको अगर बताना चाह रही हूँ कि हत्या करना गलत बात है, जुर्म है, जैसे वहां पर कई जो महिला है इस जुर्म की वजह से भी जो है वो अपना सजा उसमें काट रही थी, तो ये बताने के लिए मैं उनको छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेती थी और छोटे छोटे रामायण महाभारत इनके उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती थी। कैसा रिस्पांस रहा उनका, क्योंकि कई लोग तो ये मानते कि जेल में बहुत से निरपराध लोग भी जेल चले जाते हैं। हाँ, जेल में बहुत से निरपराध जेल भी चले जाते हैं, मुझे वहीं जाकर पता चला जब वहाँ जेलर महोदया और इंस्ट्रक्टर से मेरी बात हुई कि जैसे मान लीजिए कि महिला, एक महिला ने जो है सुसाइड कर लिया जी। और उसने कोई सुसाइड नोट में अपनी ननन या किसी का नाम लिख दिया। हाँ। अब वो उस बेसिस पे ननन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, सबको जेल भेज दिया जाता है, जबकि कई बार ऐसा भी देखने में आया कि वास्तविक रूप से उनकी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर थे वो लोग। तो इसके कारण ये हुआ कि कई बार इन वजह से बेकसूर लोगों को भी जो है वो परेशानी उठानी पड़ी। आपने प्रदूषण के खिलाफ भी अभियान चलाया, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे भी काम किया, तो क्या काम थे? एयर पॉल्यूशन में तो मैंने एयर पॉल्यूशन के कारण प्रदूषण का इफेक्ट को देखा था। हाँ। इंदौर शहर में और 10 वर्ष की तुलना की थी, और ये थाईलैंड में उबनो चथानी में जो है ये इसका पेपर प्रेजेंट मैंने किया था जी। नॉइस पॉल्यूशन का पेपर प्रेजेंट मैंने मलेशिया पोर्ट डिक्सन में किया था जी। और इंदौर शहर में ही इसके ऊपर भी अध्ययन किया था मैंने। रोटरी क्लब में भी आप बहुत एक्टिव रही? हाँ, रोटरी क्लब में मैं एक्टिव रही। दो बार मुझे रोटरी का मुझे बेस्ट ऑलराउंडर मेंबर का अवार्ड मिला। तो ये फैशन वाली चीज है रोटरी क्लब, तो क्या बात है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशलाइट लोग चले जाते हैं रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में? नहीं नहीं, तमाशा ज्यादा करते हैं, अखबारों में फोटो छपाने की ज्यादा संघर्ष करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोटरी और लायंस क्लब के धरातल पे काम भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। बस्ती में गरीबों के लिए, स्कूल में अलग अलग तरह के काफी कार्य भी होते हैं। रोटरी के साथ हमने कई हेल्थ कैंप किए, इवन जिला जेल में भी किए हेल्थ कैंप, और हमारी गोदली भी बस्ती है जवाहर नगर जुग्गी बस्ती, उसमें भी हमने कई काम किए। क्या वहां भी बड़ी राजनीति आती, नाम के भूखे लोग चले आते हैं रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, ऐसा नहीं होता? अगर ऐसा होता भी है तो इसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसमें जा नहीं पाती हूँ। जो मंथली मीटिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा नहीं जा पाती हूँ, एक्टिविटी होती है तभी मैं करवा पाती हूँ। हमारे कानून ऐसे है जो महिलाओं के लिए कई बार बहुत ज्यादा फेवर में भी है, जैसे 498A दहेज वाला कानून है, तो दहेज के मामले में अगर एक महिला जाके थाने में रिपोर्ट भर लिखा दे कि मुझे मेरे पति, देवर, ननद, सास, ससुर, देरानी, जेठानी, तो सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। कुछ जागरूकता इस बारे में क्यों नहीं आती? अब इस बारे में जागरूकता तभी आएगी जब सबको जागरूक करने की दिशा में प्रयत्न किए जाएंगे। हाँ, क्या आपको लगता है कि ये कानून गलत है? नहीं, कानून तो गलत नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रताड़ित भी बहुत होती है महिलाएं। हाँ, हाँ। प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हाँ। और उनमें से
ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है जो गलत नाम ले लेती हैं, जैसे अपवाद स्वरूप कोई एक आध महिला ऐसा कर देगी कि गलत नाम लेके और करवा देगी, अन्यथा जो ज्यादातर संख्या जो है वो प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की है। एक आंकड़ा आया था कि पिछले 2 साल पहले विवाहित महिला करीब 75,000 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या कर ली परिवार परेशानी से तंग आके, लेकिन 1,65,000 पुरुषों ने आत्महत्या की। तो पुरुषों की आत्महत्या का संख्या महिलाओं की संख्या से बहुत ज्यादा है, और अगर कोई महिला साबित भी हो जाएगी तो झूठी रिपोर्ट लिखाई, दुर्भावनापूर्वक भी रिपोर्ट लिखाई, तो भी कानून उसका बचाव करता, उस पर 1 रुपए का जुर्माना नहीं, 1 दिन की सजा नहीं। तो ये लगता नहीं कि कानून एकदम महिलाओं के पक्ष का है? नहीं, कानून महिलाओं के पक्ष में तो होना ही चाहिए, शिकायत करने वाली महिलाओं का प्रतिशत प्रकाश जी बहुत कम है वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो। और महिलाओं के विषय में और भी कानून इसलिए बनना चाहिए कि देखिए आप कितने सालों से चल रहा है कि महिलाओं को वहां पर जो है आरक्षण चुनाव में दिया जाएगा, पर अभी तक भी कहां दिया गया, जबकि ये तो आप क्या सभी जानते हैं कि महिलाएं जो है वो बेहतर प्रबंधक ही नहीं होती हैं, बेहतर प्रशासक भी होती हैं, साथ ही साथ महिलाओं में ईमानदारी ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, लेकिन कहाँ पर जो है पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के आरक्षण के लिए भी कहाँ उनके लिए कानून बन पाया? महिलाएं तो गलत है, महिलाएं तो पुरुषों के बराबर आ रही है। अरविंद जोशी टीवी जोशी मामले में देखे, दोनों पति पत्नी ने बिल्कुल ईमानदारी से बराबरी से भ्रष्टाचार किया। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार बराबरी से किया, आप बता रहे हैं कि अरविंद जोशी और टीनू जोशी ये एक पूरे भारत में एक परिवार के बारे में आप बता रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, वो अपने घर के दबाव में पत्नी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, गलत मांगों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अगर पुरुष जो है अपने दृढ़ रहे ईमानदारी पर, तो अगर पत्नी अगर बोलती भी है तो वो कभी भी नहीं करेगा, इसमें वो भी शामिल ही है तभी वो कर रहा है खुद के लिए, बच्चों के लिए, है ना, या वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं पा रहा है कि उनकी डिमांड्स और बच्चों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो इस तरह से भ्रष्टाचार का सहारा ले रहा है, ये भी एक उसका कारण हो सकता है। पर मैं इस चीज से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं हूँ कि महिला जो है वो भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करती है या कहती है। इंदौर में आए दिन रोज आत्महत्याएं हो रही है, आत्महत्याओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा, तो क्या कोई मानसिक बीमारी इंदौर में फैल गई? मानसिक बीमारी तो इंदौर में नहीं कह सकते हैं, लेकिन आत्महत्या का जो है मैं बिल्कुल विरोध इसलिए करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को समाप्त करने का चाहे पुरुष हो, महिला, बच्चा, लड़की, किसी को भी अधिकार नहीं है और न ही ये कदम उठाना चाहिए। ये तो जिंदगी से एक तरह से भागना हो गया। हाँ। जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी बातों में हम देख रहे हैं कि आत्महत्या कर ली जाती है, भले खाते पीते घरों के लोग, भरे पूरे परिवार, जैसे वो एक आपने देखा होगा ना, डाके गोली मार ली खुद को, सब अच्छा था, बहुत अच्छे, कहा जाता था कि बहुत लाइवली हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे वो सज्जन, और जाके फार्म हाउस पे गए, कोई झगड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जाके आत्महत्या कर ली। अभी तक किसी की बात सामने नहीं आई अभी तक भी। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति निराश से गुजरे तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे कई बार ऐसा महसूस जरूर होता है कि अगर समय पर उसको काउंसलिंग मिल जाए, किसी का साथ और काउंसलिंग मिल जाए, तो आत्महत्या से बचाया भी जा सकता है, बस शर्त है कि आदमी अपने सामाजिक दायित्व सरोकारों से बना रहे। सुषमा जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और अवसर दिया। न्यूज ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।